राहुल गांधी की न्याय यात्रा असम से गुजरी तो पार्टी के कई नेता एक साथ पार्टी से निकल लिए। यात्रा पश्चिमी बंगाल पहुंचती है तभी ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वो पश्चिमी बंगाल को पार करके बिहार पहुंचे, पहले ही ईडी गठबंधन बनाने वाले नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया। जिस महागठबंधन की तर्ज पर ईडी गठबंधन को बनाया गया था वो भी धराशायी हो गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि कांग्रेस को यहां कुछ नहीं मिलेगा और रही सही कसर अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा पूरा कर दे रहा है। खबर है कि बिहार के कटिहार में राहुल गांधी के काफिले में चल रही एक गाड़ी का शीशा टूट गया जिससे अफरा तफरी की नौबत आ गई। पश्चिमी बंगाल से होकर बिहार में यात्रा कर रहे राहुल गांधी बुधवार को फिर से पश्चिमी बंगाल चले गए, लेकिन उससे पहले कटिहार में यह घटना हो गई। जिस समय यह घटना हुई उस समय उनका काफिला डीएस कॉलेज के पास से गुजर रहा था। राहुल गांधी के काफिले पर हमले को लेकर दिन भर सियासत गरमाई रही। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दोपहर में माहौल बनाते हुए कहा कि मालदा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने राहुल की कार पर पत्थर फेंके थे जिससे शीशा टूट गया था। उन्होंने टीएमसी पर हमले के आरोप लगाए थे। कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया। राहुल और अधीर रंजन के किए कराए पर पानी फेरते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, गलत खबर का स्पष्टीकरण जरूरी है। राहुल जी से मिलने अपार जनसमूह आया हुआ था। एक महिला उनसे मिलने के लिए जब एकदम से आगे आ गए तब कार को अचानक रोकना पड़ा। सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाले रस्से से कार की विंडशील्ड टूट गई। राहुल गांधी जी न्याय की लड़ाई मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और यह देश न सिर्फ उनके साथ खड़ा है बल्कि उनको सुरक्षित भी रखे रहेगा। इस मामले में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमला पड़ोसी राज्य बिहार के कटिहार इलाके में हुआ। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पश्चिमी बंगाल के मालदा में राहुल से मिलने के लिए भारी भीड़ आई थी। सीएम ममता ने कहा कि घटना के बारे में जानकारी ली है। यह घटनाक्रम बिहार के कटिहार का है, बंगाल का नहीं। राहुल टूटे शीशे के साथ बंगाल में दाखिल हुए। ममता ने कहा कि इसके पीछे भाजपा और नीतीश कुमार की जेडीयू का हाथ हो सकता है। वैसे राहुल गांधी कितनी मुस्तैदी से न्याय यात्रा पूरी कर रहे हैं वो दिख भी रहा है। असम में पूर्व महिला विधायक के ब्लाउज पर कांग्रेसी कार्यकर्ता मजे ले रहे हैं तो उत्पीड़न के दोषी लोग यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निडर होकर जमे बैठे हैं, भले ही इसके लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं को पार्टी छोड़नी पड़ रही हो। कटिहार में युवा कार्यकर्ता मंच सजाकर राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। मंच से युवा कार्यकर्ता इजहार अली, निक्कू सिंह सहित सैकड़ों महिला और पुरुष कार्यकर्ता राहुल गांधी को माइक से आवाज लगाकर बुलाते रह गए। हालांकि राहुल गांधी वहां नहीं रुके और ना ही मंच पर आए। इस बात से कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज हो गए। राहुल गांधी के जिस मंच को सजाया गया था उसी मंच से दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। क्या कहना है आपका इस पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। केजरीवाल की सारी गट्टर ईमानदारी उस दिन बाहर निकल आएगी जिस दिन इसको ईडी गिरफ्तार करके रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो इतना ही सच्चे हैं तो ईडी से डर कर क्यों भाग रहे हैं? जनता तो सवाल पूछेगी ना कि वो ईमानदारी कहां चली गई। हेमंत सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुश्किल में डाल दिया है। हेमंत सोरेन ने ईडी की पूछताछ के बाद गिरफ्तार होने के पहले ही बुधवार देर रात प्रदेश के राज्यपाल से मिलकर अपना त्याग पत्र सौंप दिया। जाहिर है उनके फैसले से सबसे ज्यादा दहशत में अगर कोई आया होगा तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पहले तक प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस पर देश के दो मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रिया बिल्कुल एक जैसी देखने को मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने अलग अलग मामलों में पूछताछ के लिए कई बार नोटिस भेजा, लेकिन दोनों में से किसी ने भी गंभीरता से इसे नहीं लिया। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई। जांच एजेंसी ने हेमंत सोरेन से घंटों पूछताछ की और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया।
हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल उठने लगे। दरअसल दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल भी ईडी की जांच के दायरे में हैं। दिल्ली शराब नीति के मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी है। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी दिल्ली सीएम से पूछताछ के लिए लगातार समन भेज रही है। इसके बावजूद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम केजरीवाल को पांचवी बार पूछताछ के लिए तलब किया। ईडी ने केजरीवाल को शुक्रवार तक पेश होने का निर्देश दिया है। अब देखना यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के समक्ष पेश होते हैं या नहीं। बताया जा रहा है कि एजेंसी मामले में एक नया पूरक आरोप पत्र दाखिल कर सकती है और आपको आबकारी नीति के माध्यम से उन्नत कथित रिश्वत के लाभार्थी के रूप में नामित कर सकती है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से बचने के लिए फिर से कोई बहाना बनाएंगे। वे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन वे कानून का पालन नहीं करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब नीति से पैसे बनाए और इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। जनवरी के पहले सप्ताह में आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया था कि ईडी छापा मारकर सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि बाद में जांच एजेंसी ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ की कार्रवाई के बाद सबके मन में यह बात उठने लगी है कि क्या अब केजरीवाल की बारी है। हालांकि इस मुद्दे पर ईडी की ओर से अभी कुछ भी नहीं स्पष्ट किया गया है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बीते दिन झारखंड में सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। ईडी की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन के पिता सिबू सोरेन के करीबी कहे जाने वाले चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है। इस बीच बीते रात भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का सुप्रीम कोर्ट के सामने वकील कपिल सिब्बल ने उल्लेख किया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। 2 फरवरी को मामले को सुनवाई को सूचीबद्ध किया गया है। इस दौरान कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड से अपनी याचिका वापस ले लेंगे। सिब्बल ने बुरी तरह गिड़गिड़ाते हुए कहा, इस अदालत को धारा 19 PMLA की रूपरेखा तय करनी है। किसी भी व्यक्ति को इस तरह कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, यह देश की राजनीति को प्रभावित करता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, यह हाईकोर्ट के साथ अन्याय होगा क्योंकि उनके अनुरोध पर मामले को पहले आज बोर्ड पर रखा गया और अब कल के लिए पोस्ट किया गया। सिब्बल ने अपना वचन दोहराया कि हाईकोर्ट में याचिका वापस ले ली जाएगी। सिब्बल ने दलील दी कि याचिका उल्लंघन के गंभीर मुद्दे उठाती है। जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि सोरेन पर लगे आरोप भी बेहद गंभीर है। इसी बीच जमीन घोटाले में गिरफ्तार हुए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एक दिन जेल में बिताना होगा। प्रवर्तन निदेशालय की टीम उन्हें गुरुवार को रांची के PMLA कोर्ट में पेश करेगी। PMLA कोर्ट ने सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें होटवार जेल में रखा जाएगा। वहीं कोर्ट शुक्रवार को हेमंत सोरेन की रिमांड पर फैसला सुनाएगी। ईडी ने सोरेन से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी टीम ने बुधवार रात 7 घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। सीएम हेमंत ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। ईडी के अधिकारियों ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी टालने का भी पूरा प्रयास किया। यहां तक कि उन्होंने ईडी की ओर से दिए गए गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर करने से मना किया। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद ही उन्होंने मेमो पर दस्तखत किए। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। आपराधिक मामले में किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के लिए विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति जरूरी होती है। इसके लिए उन्हें सूचित करना पड़ता है। इस प्रक्रिया से बचने के लिए ही ईडी ने सोरेन को पहले हिरासत में लिया और बाद में राज्यपाल के पास ले गए। यहां इस्तीफा होने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई।
निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि जेएमएम के 48-49 एमएलए हैं, लेकिन वो सिर्फ 42-43 का ही सिग्नेचर ले पाए हैं। सीता सोरेन, रामदास सोरेन बैठक में नहीं थे। कांग्रेस के कई नेता बैठक में नहीं थे। मुझे लगता है कि इनके पास एमएलए नहीं है। चंपाई सोरेन के पास बहुमत नहीं है। रांची में सेना की जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। राजभवन से ही ईडी के अधिकारियों ने पीछे वाले गेट से निकाल कर ले गए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। महीनों से बिना वेतन अपनी मांगों के साथ सड़कों पर बैठे हैं बेरोजगार। जी हाँ, यह वही बस मार्शल है जिन्हें वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल कर रही थी आप सरकार। केजरीवाल अपने करोड़ों के राजमहल से निकलकर सड़कों पर बैठे इन मार्शलों का दर्द कब सुनेंगे। केजरीवाल ने अपने हजारों सिविल डिफेंस कर्मियों को नौकरी से हटाकर उनका बुरा हाल कर दिया है। केजरीवाल के पास हर राज्य में घूमकर पार्टी के लिए प्रचार करने का समय है, मगर महीनों से प्रदर्शन कर रहे इन कर्मियों का दर्द सुनने का समय नहीं है उनके पास। केजरीवाल और उनकी खास मंत्री आतिशी चिल्ला चिल्ला कर झूठा आरोप लगा रही थी, पर अब उनको झूठा आरोप लगाना भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने आप विधायकों को खरीदने की कोशिश की है, जिसके बाद अब पहले बीजेपी ने केजरीवाल को चुनौती दी थी कि अगर उनके दावों में सच्चाई है तो वो बीजेपी के साथ चलकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने शिकायत दर्ज करवाए और इसकी कड़ी जांच की मांग करे। अब बीजेपी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पास जाकर बीजेपी के इन आरोपों को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया से बातचीत में कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदतन झूठे हैं। हमने पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से आग्रह किया है कि वो विशेष जांच टीम बनाकर आपके आरोपों की जांच कराए। इसके लिए वो अपने आधुनिक टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल करें और इस तरह का जो अपराध है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। एक शिकायत देने के लिए इतने एमएलए और एमपी यहां आए हैं, तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं ने विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश का जो आरोप बीजेपी पर लगाया था, अब इन आरोपों में पार्टी खुद ही फंसती दिखाई दे रही है। बीजेपी जोर शोर से आपके आरोपों की जांच की मांग कर रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर कहा, अरविंद केजरीवाल द्वारा भाजपा पर आप विधायकों को प्रलोभन देकर तोड़ने के बेबुनियाद आरोप लगाने की शिकायत एवं जांच के बाद मुख्यमंत्री पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली भाजपा के प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिला। भाजपा नेताओं पर झूठे आरोप लगाना, फिर चुप हो जाना या माफी मांग लेना मुख्यमंत्री केजरीवाल एवं उनके सहयोगियों की पुरानी आदत है, पर इस बार हमने मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करवाने का निर्णय लिया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद रहे हैं, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आरोप लगाया वो भाग गया, लेकिन जिसके ऊपर आरोप लगाए वो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने आया है। जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो पुलिस से शिकायत करने आया है कि आप इसकी जांच करें और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारे हिसाब से आम आदमी पार्टी दोषी है, क्योंकि आपके मुखिया जब जेल के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं तो वो भ्रम पैदा करने के लिए झूठे आरोप गढ़ रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।